देश में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल देने वाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार अब महंगाई राहत केंद्र का ढोंग कर रही है। जब चुनाव सर पे आ गए तो इनको महंगाई नजर आ रही है। 4.5 साल पहले जब कांग्रेस आई तब घोषणा पत्र में वादा था कि हम महंगाई कम करेंगे। क्या 2019 में ये कैंप नहीं लग सकते थे? आज 2023 में चुनाव आने के बाद कांग्रेस को कैंपों की याद आ रही है। यदि आपको राहत देनी है तो सबके बिजली के बिल के खाते आपके पास है, उज्ज्वला के सारे सिलेंडरों की डिटेल आपके पास है, पेंशन की सारी डिटेल आपके पास है, चिरंजीवी की सारी डिटेल आपके पास है। आप राहत दो ना, कौन मना कर रहे हैं? आप तारीख पे तारीख दे रहे हो, चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए आप कैंप लगा रहे हो। बड़े बुजुर्ग, महिला, बूढ़े, विकलांग सबको आप इस गर्मी में बिना व्यवस्था के कैंपों में बुला रहे हो और कैंपों का राजनीतिकरण कर रहे हो। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कैंप में बैठने हैं, कांग्रेस के बैनर पोस्टर प्रचार करने हैं, तो कांग्रेस पार्टी के फंड से आप पैसा दें। सरकारी कैंपों का इस प्रकार से चुनाव नजदीक आते समय दुरुपयोग करना ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला है। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री जी, आपके राज में इस प्रकार का भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो हो रहा है और जो कैंपों का कांग्रेसीकरण हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए।